दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, राशन कार्ड पर बहुत ही बड़ी खबर निकल चुकी है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो फ्री राशन ले रहे हैं, तो साथियों आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो आपको आज के इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं न्यूज से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी दूं, सीधी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो भी राशन कार्ड धारी हैं, जिनके पास राशन कार्ड APL BPL अंत्योदय वाला राशन कार्ड, जिनके पास रिसीविंग हो, जो फ्री राशन हर महीने की जो भी तारीख में मिलता है लेने जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि दो बारी लगातार उन लोगों को चावल ही दिया गया है, कोई भी राशन उपलब्ध नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे क्या चावल भी मिलना बंद हो जाएगा? उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कह रखा है कि धीरे धीरे अब चावल भी मिलना बंद हो सकता है। ऐसा क्लियर डेट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बात और कही कि एक बार आपको जो राशन है वो फ्री दिया जाएगा और एक बार आपको पैसों से राशन दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि साथियों, अगस्त के दूसरे चरण का राशन हमको पैसों से दिया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जिन जिन लोगों को 4 से 5 तारीख में राशन दिया जाएगा, उनको गेहूं नहीं मिल सकता है, खाली चावल ही मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, उनको फ्री में क्या क्या दिया जाएगा? दाल, चना, चीनी इत्यादि, रिफाइंड सारा सामग्री जो आपको नहीं मिला था अभी तक, वो आपको उपलब्ध किया जाएगा, वो भी फ्री में। उसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने ये नियम निकाला है कि आपको चावल मिलेगा और साथ में रिफाइंड तेल, घी, जो भी आपको सामग्री मिलती थी।